नमस्कार दोस्तों, यदि आप लोग एपीएस संचालक हैं तो आपके एपीएस संचालक के क्षेत्र में 1 अक्टूबर 2024 से 3 बड़े बदलाव होने वाले हैं जो आप सभी लोगों को जानना काफी ज्यादा आवश्यक है। सो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी तरह से मिल सके। दोस्तों, हम लोग यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहला और गुड अपडेट के विषय में। दोस्तों, ये अपडेट है फेस स्कैन से लेकर के। दोस्तों, 1 अक्टूबर 2024 से आपका जो अकाउंट ओपनिंग का सिस्टम दिया गया है आपके एप्लीकेशन में, चाहे वो पेनियर बाय एप्लीकेशन हो, चाहे दोस्तों स्पाइस मनी का एप्लीकेशन हो, ठीक है, इसमें अकाउंट ओपनिंग आपका दोस्तों फेस स्कैन के माध्यम से स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, कल के डेट में यानी कि 22 सितंबर 2024 को पेनियर बाय एप्लीकेशन ने एक ट्रायल किया है फेस स्कैन के माध्यम से अकाउंट ओपनिंग का, जो बिल्कुल सक्सेस हुआ है, बहुत ही शानदार है। वो दोस्तों आपको जो डिजिटल नारी एप्लीकेशन है पेनियर बाय एप्लीकेशन का, उसमें आपको अभी देखने को मिल जाएगा। यदि आपके पास वो एप्लीकेशन मौजूद है तो आप लोग दोस्तों उसमें अकाउंट ओपनिंग वाले फीचर्स पे जाएंगे तो वहां पे आपको फेस स्कैन के माध्यम से अकाउंट ओपन करने का ऑप्शन मिल जाएगा। जस्ट 2 मिनट्स में आप किसी भी कस्टमर का अकाउंट ओपन कर सकते हैं, वो भी विदाउट फिंगर स्कैन किए, केवल फेस स्कैन के माध्यम से। अब दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं जो दूसरा नियम है, ये बहुत ही शानदार नियम है। दोस्तों, मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था कि पेनियर बाय एप्लीकेशन ने यहाँ पे एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें बताया है कि आरबीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार आप सभी एईपीएस संचालकों को एक रजिस्टर मेंटेन करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। देखिए, जब तक दोस्तों यहाँ पे रजिस्टर मेंटेन करने के लिए आरबीआई की गाइडलाइन नहीं आई हुई थी, तब तक जो भी हमारे एईपीएस संचालक हैं अपने मनमानी तरीके से अपना एईपीएस का बिजनेस करते थे, किसी टाइप का कोई रिकॉर्ड रखना उचित नहीं समझते थे। लगभग देखा जाए तो 80% ऐसे एईपीएस संचालक हैं जो कि मौखिक तौर पर अपना एईपीएस संचालन करते हैं, वहां पे वो लोग अपना रजिस्टर मेंटेन बिल्कुल भी नहीं करते हैं, ठीक है। तो इससे काफी दिक्कतें होती है। इन सब चीजों को देखते हुए यहाँ पे आरबीआई ने बैंकिंग सेक्टर को बिल्कुल फ्रेश बनाए रखने के लिए ये गाइडलाइन जारी कर दिया है। मैं आपको यहाँ पे एक विशेष चीज भी दिखाता हूँ, उसको आप लोग नोटिस कीजिए। आप दोस्तों यहाँ बगल में देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग देखिए, दोस्तों इसी चीज को सीरियस लेते हुए इजी पे एप्लीकेशन ने रजिस्टर भी अपने एपीएस संचालकों को प्रोवाइड करने के लिए अनाउंसमेंट कर दिया है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ट्रांजेक्शन रजिस्टर जो है वो दोस्तों इसका जो प्राइस रखा है वो ₹120 यहाँ पे इन्होंने रखा है, वो रिटेलर के लिए है। डिस्ट्रीब्यूटर के लिए यहाँ पे ₹100 के लिए है, बल्क प्राइस यहाँ पे ₹90 है। दोस्तों यहाँ पे आप लोग सोच सकते हैं, अभी तक इसके पहले यहाँ पे कोई भी एपीएस कंपनी आपको रजिस्टर लेने के लिए कुछ भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया था, ठीक है। लेकिन जैसे ही यहां पे आरबीआई का नोटिफिकेशन आ गया, उसके जस्ट बाद ही दोस्तों यहां पे ईजीपे की तरफ से ये नोटिस डाल दिया गया कि आपको रजिस्टर भी प्रोवाइड हो जाएगा हमारी तरफ से, ठीक है, वो भी केवल मात्र ₹120 में। दोस्तों, अगर आप लोग रजिस्टर लेने के लिए जाएंगे किसी शॉप पे, ठीक है, बुक स्टेशनरी पे, तो वहां पे दोस्तों आपका आपके बैंकिंग सेक्टर के लिए जो रजिस्टर मिलेगा कम से कम ₹250 से ₹300 में मिलेगा, इससे सस्ता आपको नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे दोस्तों ईजीपी एप्लीकेशन ने केवल ₹120 में आपको रजिस्टर देने के लिए अनाउंसमेंट कर दिया है। आपको बता दें कि ये जो रजिस्टर है आपका, जैसे दिल्ली हो गया, आपका वेस्ट बंगाल हो गया, बिहार हो गया, यूपी हो गया, ठीक है ना, इन सब क्षेत्रों में आपको दोस्तों ये जो है फ्री डिलीवरी की जा रही है केवल ₹120 में, ठीक है। तो अगर आप लेने के इच्छुक हैं तो आप इसको परचेज कर लीजिए, लेकिन हाँ, 1 अक्टूबर से दोस्तों आपको रजिस्टर मेंटेन करना मैंडेटरी हो जाएगा। इसके लिए आरबीआई कोई सा भी कदम उठा सकती है, हो सकता है कोई टीम गठित कर दे जिससे कि आपके शॉप पे कंटिन्यू चेकअप किया जाए कि आप रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे एक थर्ड पॉइंट की बात करते हैं जो कि आपके लेवल की है, बहुत ही काम की बात है। यहाँ पे दोस्तों ये बात है कि हम सभी लोग जानते हैं कि 30 सितंबर 2024 को हमारा जो L0 टाइप का डिवाइस है फिंगर, वो दोस्तों एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि NPCI की गाइडलाइन आ गई है जिसमें आपको बताया गया है कि 30 सितंबर तक आप लोग L0 डिवाइस को यूज कर सकते हैं,
ठीक है, उसके बाद आप यूज नहीं कर पाएंगे। इसके पहले दोस्तों आपको पता है कि 30 सितंबर 30 मार्च 2024 लास्ट डेट रखी गई थी, लेकिन इस डेट को 3 महीने के लिए एक्सटेंड किया गया था। लेकिन दोस्तों अभी देखा जाए तो आज 23 तारीख हो चुकी है, लेकिन अभी तक किसी टाइप का कोई नोटिफिकेशन नहीं भेजा गया है किसी भी AEPS कंपनी की तरफ से कि आपका L0 डिवाइस जो है वो आगे कुछ महीनों के लिए एक्सटेंड की जाती है। ठीक है, तो आप इसको 30 सितंबर ही मान के चलिए। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे ये बात करते हैं कि हमारे बहुत सारे ऐसे AEPS संचालक हैं जिन्होंने अभी तक L1 डिवाइस को परचेज नहीं किया है, उनका L0 डिवाइस भी 30 तारीख को एक्सपायर हो जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी AEPS कंपनियां हैं जो कि इस डिवाइस को लगभग 3300-3400-3500 रुपए में प्रोवाइड कर रही हैं। लेकिन दोस्तों इसी को इजी पे एप्लीकेशन जो है वो केवल आपको 2999 रुपए मतलब 3000 में दोस्तों आपके शॉप पर फ्री डिलीवरी प्रोवाइड कर रहा है। यदि आप लोग इजी पे के AEPS संचालक हैं तो आप यहां से बाय कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप कोई सा भी AEPS बैंकिंग एप्लीकेशन चलाते हैं दोस्तों तो आप यहां पे कांटेक्ट करके इस डिवाइस को परचेज कर सकते हैं, आपको लगभग 500-600 रुपए का बेनिफिट तो हो ही जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी बताया गया है कि 2800 रुपए में दिया जाएगा, वहीं बल्क प्राइस जो है दोस्तों वो आपका 2750 रुपए दिया गया है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप लोग देखेंगे दोस्तों तो कहा गया है कि ये आपके शॉप पे फ्री डिलीवरी की जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कहा गया है ऑल प्रोडक्ट, यहाँ पे देखिए ऑल प्रोडक्ट फ्री डिलीवरी अक्रॉस इंडिया, इंडिया के किसी भी कोने से अगर आप लोग यहाँ पे परचेज करते हैं तो आपको फ्री में यानी फ्री डिलीवरी ये आपको प्रोवाइड की जाएगी। टोटल आपको दोस्तों यहाँ पे GST मिलाकर के 2999 रुपए की ये डिवाइस अभी प्रोवाइड की जा रही है। तो आप लोग चाहें तो इस डिवाइस को परचेज कर लीजिए। अलग अलग यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर दिए गए हैं दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के लिए यहाँ पे ये वाला नंबर दिया गया है, बिहार के लिए ये दिया गया है, वेस्ट बंगाल के लिए ये वाला है, वहीं दोस्तों आप लोग देखेंगे दिल्ली के लिए यहाँ पे दिया गया है ये वाला नंबर। ठीक है, तो आप लोग जहां से बिलोंग करते हैं वहां से इस डिवाइस को परचेज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि दोस्तों 30 सितंबर को आपकी डिवाइस बंद हो जाएगी। ठीक है, तो ये तीन बड़े अपडेट हैं दोस्तों जो आप सभी लोगों को जानना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये आपके जो आपके AEPS का क्षेत्र है दोस्तों ये काफी विश्वसनीयता का क्षेत्र है, इसलिए NPCI RBI लगातार आपको एक से बढ़कर के एक कदम उठाने के लिए यहाँ पे कह रहे हैं, जिससे कि ये आपका बहुत सिक्योर हो सके, फ्रॉड के चांसेस दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल खत्म हो सकें AEPS बिजनेस का। हम सभी लोग जानते हैं कि जब से AEPS बिजनेस स्टार्ट हुआ दोस्तों तब से बहुत ज्यादा भीड़ कम हुई है बैंक में, नहीं तो हम लोग जानते हैं कि जब हमारा यहाँ पे काम का टाइम होता है उस टाइम बैंक ओपन होता है, अगर कोई व्यक्ति बैंक में पैसा विड्रॉ करने के लिए जाता है, जमा करने के लिए जाता है दोस्तों, तो ऐसे में देखा जाए तो उसका सारा दिन चला जाता है, मतलब दिन की मजदूरी उसकी चली जाती है, क्योंकि 10 बजे बैंक ओपन होता है दोस्तों, वहीं आपका 4 बजे एंड होता है। ठीक है, यही टाइम पीरियड होता है किसी व्यक्ति का अपने ड्यूटी टाइम पे काम करने का। ठीक है, तो AEPS के बिजनेस को दोस्तों यहाँ पे सिक्योर करने का जो है सिस्टम वो बिल्कुल फुल बनाया जा रहा है RBI NPCI की तरफ से। तो ये नियम आपका लागू होगा 31 अक्टूबर 2024 से। आई होप कि आप इस जानकारी से बिल्कुल अपडेट हो चुके होंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी इसको शेयर अवश्य कर दीजिएगा।